हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे स्पेशल रचना। आप सभी को मेरा जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, टुडे स्पेशल रचना में आज बन रही है बहुत ही यमी टेस्टी सब्जी, लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी वैसे तो बहुत बोरिंग रहती है, बहुत कम लोगों को ही लौकी की सब्जी पसंद आती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में ये सब्जी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ली है मैंने ये चने की दाल और लौकी। तो इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और घर के मसालों से ही ये बनकर तैयार हो जाती है। आपको कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो लौकी को हमने अच्छे से पेल करके उसे कट कर लिया है। मैंने रफली चॉप किया है इसे, क्योंकि इसको अभी हमें बॉयल, तो उसके लिए ये मैंने चने की दाल ली है। दोनों को हम एक ही साथ बॉईल कर लेंगे, जिससे कि टाइम भी कम लगेगा और ये बॉईल भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था, लौकी को भी वॉश कर लिया था और इनको रख दिए मैंने। इसमें लिए कम से कम 4 से 5 विसल, जिससे कि चने की दाल अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद फिर इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने इसको मैश कर लिया। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और जिसे लौकी पसंद नहीं है ना, वो भी इसे खाएंगे और डिमांड करेंगे कि मम्मी जब भी सब्ज़ी बनाए लौकी की तो ऐसे ही बनाए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है और किसी किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी की सब्ज़ी है। तो फिर एक पैन लिया और फिर मैंने उसमें ऑयल गर्म कर लिया है। उसमें फिर मैंने राई, जीरा, हींग और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया। साथ में जो बेसिक मसाले हमारे रहते हैं वही ऐड किए हैं, जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है तिल, जिससे कि सब्जी का स्वाद और भी अच्छा आए। फिर जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है, हम मसाले को ऐसे ही भूनेंगे, और जैसे तेल सेपरेट हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे ये दाल और लौकी मैश की हुई। तो ये कुछ कुछ लौकी रह गई थी, तो आप इसे कढ़ाई में भी मैश ऐसे ही कर सकते हैं चम्मच से। और रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी कभी भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। थिकनेस आपके टेस्ट अकॉर्डिंग ही रखें इसमें। वैसे अगर आप इसमें चाहे तो किंग मसाला या पाव भाजी वाला स्वाद चाहिए हो तो आप वो मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी सब्जी का स्वाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे किया कुक थोड़ी देर। और कभी कभी फ्रेंड्स होता है ना कुछ अलग तरीके से बनाने का, क्योंकि बोर हो जाते हैं हम हमेशा ही एक तरह की सब्जी खा के, तो आप ये सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मेरे पास किंग मसाला नहीं था, तो मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला। और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये सब्जी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। मतलब मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि काय की सब्जी बनी है, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा था कि ये लौकी की सब्जी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी बनाती थी तो मुंह बना लेते थे देखकर, इसलिए मैंने इस ट्रिक से बनाई और उनको तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। लेकिन आपको कैसे लगी ये रेसिपी ज़रूर बताएं कॉमेंट में, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, रेसिपी देखना चाहते हैं, वो भी मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल टुडे स्पेशल रचना।